वालेकुम जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज़ 1.2 की शुरुआत कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन इसे ज़रूर आता है तो पहला क्वेश्चन है कि z1 हमारे पास टू प्लस वन अटा है एंड z2 हमारे पास वन माइनस आटा है तो इसके लिए हमने प्रूफ करने के कि प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू तो एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू तो मल्टीप्लीकेशन तो हमने ये जेड वन और जेड टू जो उसने नंबर दी हुए कॉम्प्लेक्स uh, नंबर वो हमने यहाँ लिख लिए हैं अब हमने यहाँ क्या लिखनी है कम्बटेटि प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ये हमारे पास डी एसते हैं जेड वन प्लस जेड टू इज़ इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन अब कम्बेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनकी प्लेसेस अगर हम चेंज कर दें एडिशन करते हुए तो उसके आंसर पर कुछ फ़र्क ना पड़े जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले z1 है और यहाँ z2 है और इधर बाद में z2 है और आखिर में z1 है सिर्फ जगह चेंज की हुई है तो अब हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन को करते हुए कुछ आंसर पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं तो अब जेड हमारे पास क्या है टू प्लस आयोटा सी हो गया टू प्लस आयोटा और जेड टू हमारे पास डी एस क्या है वन माइनस आयोटा तो पहले इस साइड को हम परफॉर्म कर लेते हैं एडिशन uh, में हमने क्या कहा था डी एस के रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ हमने क्या करना है ऐड करना है तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है टू है और इमेजनरी पार्ट हमारे पास इसका वन है इस तरह इसका रियल पार्ट वन और इसका इमेजनरी पार्ट माइनस आयोटा डर स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं यह हमारे पास हो जाएगा टू प्लस वन यह हो जाएगा थ्री और यह आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जीरो आयोटा इस तरह आप इसका हम लेफ्ट साइड करते हैं आ, लेफ्ट और ये राइट साइड Z1 की वैल्यू हमारे पास है वन माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है टू प्लस आयोटा सो रियल पार्ट को हमने रियल के साथ लिखने और इमेजनरी को डियर स्टूडेंट इमेजनरी तो रियल पार्ट इसका हमारे पास क्या है वन और इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है प्लस टू ये सात आ गए हैं और इमेजनरी पार्ट इसका हमारे पास है माइनस आयोटा और इसका हमारे पास क्या है प्लस आयोटा सो so, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस टू थ्री आयोटा और ये कैंसल कर वो ही हमारे पास क्या हो गया जीरो आयोटा तो स्टूडेंट देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास क्या आ गए दोनों सेम आए तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होता है वेरीफाइड होता है प्रूफ्ड ये भी इस हमने क्या करना है कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये शो करनी है तो ये हमारे पास जेड वन मल्टीप्लाई बाई जेड टू इज इक्वल टू जेड टू मल्टीप्लाई बाई जेड वन होगा अब इसको डी परफॉर्म करते हैं जेड वन की वैल्यू हमारे पास है टू प्लस आईओटा टू प्लस आई ओटा और जेड टू की वैल्यू है हमारे पास है वन माइनस आईओटा तो हम इन दोनों साइड को हमने क्या करना है परफॉर्म करके इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अब टू को ये हो जाएगा हमारे पास टू प्लस आईओटा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस आईओटा इंटू वन माइनस आईओटा तो डी एस ये हमारे पास हो जाएगा टू वन जार टू एंड माइनस टू और अयोटा इंटू वन ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा और ये अयोटा स्क्वेयर सो so, टू हमारे पास इस तरह आ जाएगा माइनस टू अयोटा प्लस अयोटा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस आयोटा और डी एस आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वेयर हमारे पास किसके बराबर होते हैं ये हमारे पास माइनस वन के बराबर होते हैं। तो so, इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से आ जाएगा टू माइनस आयोटा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस तो अब ये देखें टू और वन ये हमारे पास के रियल पार्ट हैं तो टू प्लस वन कर लेते हुए हमारे पास थ्री आ जाएगा और माइनस आयोटा सो अब इसका ये दूसरा जो साइड है इसको हम परफॉर्म करते हैं वन माइनस आयोटा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस आयोटा एंड टू प्लस आयोटा के साथ ये हमारे पास आ जाएगा टू वन जार टू टू प्लस आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वेयर सो टू को हम इस तरह उतार देंगे माइनस टू प्लस आयोटा ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वेयर डी एस हमारे पास किसके बराबर होता है माइनस वन के सो ये टू हमारे पास इस तरह आ जाएगा माइनस आई और माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस तो ये वहां से वन आ जाएगा सो ये रियल पार्ट टू प्लस वन को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से आ जाएगा थ्री माइनस आई तो डी स्टूडेंट आप देखें कि इसके हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसी भी थ्री माइनस आईओटा आया और जो राइट राइट साइड है उसी भी हमारे पास थ्री माइनस आईटा मतलब इसके दोनों साइड के आगे इक्वल आ गए इट मीनस ये प्रूफ हो गया है नंबर थ्री में हमें तीन नंबर दिए गए जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री ये इनकी वैल्यूज हैं और इसके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है प्रूफ करनी है तो सोल्यूशन में हमने तीन यही नंबर ले लिये जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री और ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है सो तो इसका ये लेफ्ट साइड और इसका हमारे पास ये राइट right साइड तो इसका पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड परफॉर्म करते हैं सो जेड वन जेड वन की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस वन प्लस आई इस तरह हमारे पास जेड टू की वैल्यू है थ्री माइनस टू आई एंड जेड थ्री की वैल्यू है हमारे पास टू uh, प्लस थ्री आई तो पहले हम इस uh, परफॉर्म कर लेते हैं ब्रैकेट को सो माइनस वन प्लस आयोटा इसी तरह आ जाएगा इसमें हमने क्या करना है रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेना है थ्री एंड माइनस टू आयोटा और इसका हमारे पास रियल uh, पार्ट है टू और थ्री uh, आयोटा तो हम इनक्लोज कर लेते हैं सो माइनस वन प्लस अयोटा ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो so, ये थ्री प्लस टू ये हमारे पास बन जाएगा फाइव एंड थ्री में से टू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा अब इन दोनों नंबर्स को हमने सॉल्व करना है तो इसका रियल पार्ट हमारे पास पार है माइनस वन और इसका रियल पार्ट है हमारे पास प्लस फाइव और इसका इमेजनरी पार्ट है हमारे पास आयोटा और इसका इमेजनरी पार्ट भी है हमारे पास आयोटा तो ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइव माइनस वन यहाँ से आ जाएगा फोर एंड आयोटा प्लस आयोटा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टू आयोटा जैसे इसका हमने लेफ्ट साइड परफॉर्म किया इस तरह इसका राइट right साइड भी परफॉर्म करते हैं सो माइनस वन प्लस एंड uh, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थ्री माइनस टू आई ओटा और नेक्स्ट हमारे पास है टू प्लस थ्री आई ओटा इसको हम इनक्लोज कर लेते हैं पहले इनको परफॉर्म करते हैं तो डी एस ये हमारे पास आ जाएगा इसका रियल पार्ट है माइनस वन और इमेजनरी पास है प्लस पार्ट है प्लस आई ओटा और इसका रियल पार्ट है प्लस थ्री और इमेजनरी पार्ट है इसका हमारे पास माइनस टू आयोटा सो so, ये हमारे पास इनक्लोज हो जाएगा एंड टू प्लस थ्री आयोटा नेक्स्ट इनको हमने परफॉर्म करने स्टूडेंट सो थ्री माइनस वन ये हमारे पास आ जाएगा टू और माइनस टू आयोटा प्लस आयोटा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा और ये हमारे पास पहले से मौजूद है टू प्लस थ्री आई ओटा सो डी सुनिए अब इसका रियल पार्ट हमारे पास है टू और इमेजनरी पार्ट है माइनस आईओटा और इसका रियल पार्ट है प्लस टू एंड प्लस थ्री आई ओटा इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं तो ये हमारे पास टू प्लस टू फोर आ जाएगा और थ्री में से आ माइनस आईओटा वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टू आईओटा तो डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का भी इसका आंसर हमारे पास क्या है फोर माइनस आयोटा और राइट साइड का आंसर भी फोर प्लस आईटा और राइट साइड का भी फोर प्लस आयोटा दोनों साइड हमारे पास क्या आ गए डी स्टूडेंट सेम आ गए तो इट मीन्स ये हमारे पास प्रूव हो गए जिस तरह प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ किया अभी इस तरह हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करने वाले हैं सो so, ये हमारे पास है जेड वन इन टू जेड टू मल्टीप्लाई बाई जेड थ्री एंड जेड वन मल्टीप्लाई बाई जेड टू मल्टीप्लाई बाई जेड थ्री तो ये हमने इन तीनों की वैल्यूज़ लिखी हैं तो पहले इसका लेफ्ट साइड परफॉर्म करते हैं माइनस वन प्लस अयोटा यह हमारे पास इसी तरह आ जाएगा और इनको हमने क्या करते हैं मल्टीप्लाई सो so, थ्री और माइनस टू आई ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा टू प्लस थ्री आई के साथ और ये भी टू प्लस थ्री आई तो ये ब्रैकेट को हम इनक्लोज कर लेते हैं तो ये हमारे पास फ़िलहाल इसी तरह आ जाएगा और इनको हम परफॉर्म कर लेते हैं ये हमारे पास हो जाएगा थ्री टू जर सिक्स एन थ्री थ्री जर नाइन आयोटा एन टू टू ज़र फोर आयोटा एंड माइनस सिक्स आयोटा स्क्वेयर तो ये माइनस वन प्लस आयोटा ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा सो so, सिक्स और नाइन में से फोर को माइनस करेंगे तो फाइव आयोटा आ जाएगा और माइनस सिक्स आयोटा स्क्वायर डीएच एस आपको पता ही किसके बराबर होता है माइनस वन के सो so, ये माइनस वन प्लस आयोटा इसी तरह आ जाएगा एंड सिक्स uh, प्लस फाइव आयोटा माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा सिक्स सो so, माइनस वन प्लस आयोटा एंड या हमारे पास ये रियल पार्ट माइन प्लस सिक्स प्लस सिक्स ये हमारे पास हो जाएगा ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा सो so, अब हमने नेक्स्ट जो दो नंबर हमारे पास आ गए इनको परफॉर्म करने सो so, माइनस वन और प्लस आयोटा ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा एंड ट्वेल्व प्लस फाइव आयोटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डी स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव आयोटा क्योंकि माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से प्लस ट्वेल्व और प्लस फाइव आयोटा स्क्वेयर सो so, माइनस ट्वेल्व इसी तरह आ जाएगा ट्वेल्व आयोटा माइनस फाइव आयोटा ये हमारे पास हो जाएगा सेवन आयोटा और प्लस फाइव आयोटा स्क्वेयर माइनस वन के बराबर हो जाएगा सो so, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन आई और यहाँ से माइनस फाइव तो लास्ट में हमने क्या करना है रियल पार्ट माइनस ट्वेल्व और माइनस फाइव इनको ऐड करेंगे तो माइनस सेवन आ जाएगा और यहाँ से सेवन आयोटा तो डी एस वन ये इसका क्या हो गया लेफ्ट साइड तो हमने क्या करना है राइट साइड क्या करना है एक्सपेंड करना है सो माइनस वन एंड प्लस आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टू माइनस थ्री आईओटा के साथ एंड सॉरी थ्री माइनस टू आयोटा ब्रैकेट को हम इसी तरह इनक्लोज कर देंगे एंड टू प्लस थ्री आयोटा लास्ट में सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू आयोटा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थ्री आयोटा माइनस टू आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट को हम इनक्लोज कर लेते हैं एंड ये थ्री प्लस टू आयोटा इसी तरह आ जाएगा सो डिस्टोडेंट माइनस थ्री अच्छा थ्री आयोटा प्लस टू आयोटा ये हमारे पास फाइव आयोटा बन जाएगा और माइनस टू आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट आपको पता है किसके बराबर होते हैं माइनस वन के सो इसको हम इनक्लोज कर लेते हैं और ये हो जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा सो so, अब ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फाइव आयोटा एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू एंड टू प्लस टू प्लस थ्री आयोटा सो रियल पार्ट माइनस टू माइनस थ्री प्लस टू यहाँ से आ जाएगा माइनस वन और प्लस फाइव आयोटा और ये टू प्लस थ्री आयोटा इसी तरह आ जाएगा हमारे तो so, अभी हमने क्या करना है इनको परफॉर्म करना है सो माइनस वन एंड फाइव आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा के साथ एंड टू प्लस थ्री आयोटा के साथ सो so, इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू माइनस थ्री आयोटा और ये हमारे पास फाइव टू जार टेन आयोटा एंड फाइव थ्री जर फिफ्टीन आयोटा स्क्वेयर माइनस टू तो इसी तरह आ जाएगा सेवन uh, uh, में से टेन में से थ्री को माइनस करने के तो ये हमारे पास प्लस सेवन आ जाएगा और प्लस फिफ्टीन आयोटा स्क्वेयर हमारे पास माइनस वन के बराबर होते हैं सो लास्टली यहाँ से माइनस टू प्लस सेवन आयोटा और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस तो रियल पार्ट माइनस टू माइनस फिफ्टीन को ऐड कर लेंगे तो माइनस सेवनटीन आ जाएगा एंड सेवन आयोटा तो डी स्टूडेंट आप खुद एनालाइज कर रहे हैं इसकी जो लेफ़्ट साइड है इससे भी हमारे पास माइनस सेवनटीन प्लस आयोटा है सेवन आयोटा और जो राइट साइड है इससे भी हमारे पास माइनस सेवनटीन प्लस सेवन आयोटा है तो इसका मतलब ये दोनों साइड इसके बराबर हैं और ये हमारे पास इसका Gracias.